बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 94 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इस बीच महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने वोट डाला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपनी मां राबड़ी देवी के साथ पटना में वोट डालने के लिए पहुंचे थे। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने पटना के पोलिंग बूथ नंबर 160 पर मतदान किया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। कोरोना को देखते हुए दोनों नेताओं ने मास्क लगा रखा था और वोट डालने से पहले दोनों ने खुद को सैनिटाइज किया। वोट डालने के बाद चर्चा करते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में बदलाव की गंगा बह रही है और बिहार को बदलाव चाहिए। वहीं वोट डालने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया। मतदान करें और आप लोग जान रहे हैं कि बदलाव की गंगा जो बह रही है, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, तो सब लोग सुरक्षित होकर के मास्क सैनिटाइजर जिसके पास उपलब्ध है वो करें। हमारे इलेक्शन कमीशन ने बूथों पर उपलब्ध करा रखा है और आप सब लोगों से चाहेंगे कि महागठबंधन के पक्ष में आप सब लोग जो गोलबंद हुए हैं, एक परिवर्तन की बयार चल पड़ी है, बदलाव ज़रूरी है, इसलिए सभी लोगों से अपील करते हैं कि मतदान का आप सब लोग जो है प्रयोग करने का काम करें। आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। हमने पीएम को चिट्ठी लिखी है, सवाल पूछे हैं। उम्मीद है कि पीएम मोदी अपनी रैली में वो इन बातों पर सफाई देंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार बुरे दौर से गुजर रहा था। बाढ़, कोरोना और मजदूरों की स्थिति सभी को पता है। मौजूदा सरकार से जनता काफी खफा है।